आज हम देखेंगे भिन्नों की संख्या रेखा पर निरूपण से संबंधित मिथ्या धारणाएं और साधारण गलतियां। मिथ्या धारणा एक, छायांकित भाग की भिन्न संख्या रेखा पर व्यक्त करें। कई बार छायांकित भाग की भिन्न पहचानने में गलती की जाती है, जैसे दिए चित्र में तीन भाग छायांकित है, इसलिए ये तीन अंश यानी न्यूमरेटर है और बचे छह भाग हर यानी डिनोमिनेटर है, यह समझा जाता है और भिन्न 3/6 के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे संख्या रेखा पर व्यक्त करने के लिए इकाई दूरी के छह भाग बनाए जाते हैं और इनमें से तीन भाग लेकर भिन्न व्यक्त किया जाता है। यह एक गलत धारणा है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, क्योंकि यहाँ छायांकित वस्तुओं का भाग 9 में से 3 है, इसलिए भिन्न लिखी जाएगी 3/9। इसे संख्या रेखा पर व्यक्त करने के लिए इकाई दूरी के 9 भाग बनाए जाते हैं और इनमें से 3 भाग लेकर भिन्न 3/9 को सही स्थान पर व्यक्त कर लिया जाता है। कई बार भिन्न सही प्रकार से पहचाना जाता है और संख्या रेखा पर इकाई दूरी के 9 बराबर भाग भी बना लिए जाते हैं, लेकिन 9 में से 3 भागों को व्यक्त करने के लिए 0 से 3 बिंदु गिने जाते हैं और भिन्न 3/9 को 0 से 3 बिंदु पर व्यक्त किया जाता है। यह गलत समझ है। भागों की गिनती करने के लिए 0 को छोड़कर अगले बिंदु से गिनती करना सही है। मिथ्या धारणा दो, दिए संख्या रेखा पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से भिन्न होगी, इसका पता लगाने के लिए अगली संख्या 7/8 के अंश और हर दोनों से 1 कम किया जाता है। इससे परिणाम 6/7 प्राप्त होता है, जो कि गलत जवाब है। सही समझ यह है कि यहाँ 0 से 1 तक का अंतर यानी कि इकाई दूरी के 8 बराबर भाग किए हैं। इन 8 भागों में से प्रश्न चिन्ह 6वां भाग व्यक्त करता है, इसलिए इसके स्थान पर सही भिन्न है 6/8। अब हम देखेंगे भिन्नों की संख्या रेखा पर निरूपण से संबंधित साधारण गलतियां। कई बार यह देखा गया है कि संख्या रेखा पर भाग बनाते समय ये बराबर नहीं बनाए जाते, इससे भिन्नों को संख्या रेखा पर व्यक्त करने में कठिनाइयां आ सकती है। किसी भी भिन्न को संख्या रेखा पर सही प्रकार से व्यक्त करने के लिए सभी भाग बराबर होने चाहिए। कई बार संख्या रेखा पर भागों की गिनती गलत प्रकार से की जाती है, जैसे इस उदाहरण को देखिए। यहाँ 0 से 1 तक सभी बिंदुओं को गिनती करके यह समझा जाता है कि यहाँ 5 भाग किए हैं। सही समझ यह है कि भागों की संख्या पता करने के लिए 0 के बिंदु को छोड़कर अगले 1 तक के सभी बिंदुओं की गिनती की जानी चाहिए। इस समझ से यहाँ 4 भाग है। 0 से गिनती करने के कारण कई बार भिन्न को व्यक्त करने में भी गलती की जाती है, जैसे अगर संख्या रेखा पर भिन्न 5/6 व्यक्त करने के लिए कहा जाए तो कई बार संख्या रेखा बनाई जाती है, उस पर 6 बिंदु लिए जाते हैं और 0 को पहला बिंदु गिनकर 5वें बिंदु पर 5/6 अंकित किया जाता है, जबकि सही समझ है कि हमें कुल 7 बिंदु लेने चाहिए जिससे कि कुल भागों की संख्या 6 हो। आज हमने देखी भिन्नों की संख्या रेखा पर निरूपण से संबंधित मिथ्या धारणाएं और साधारण गलतियां।